नेगेटिविटी ब्रेन की एनर्जी को खत्म करती है, पॉजिटिव बातें मन को ताकत देती हैं। ये बात वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके प्राची ने उस वक्त कही जब वो भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन ले रही थी। बीके प्राची ने आगे कहा कि दुनिया के स्थूल कचरे की सफाई के लिए व्यवस्था है, लेकिन हमारे अंदर के कचरे को स्वयं हमें ही साफ करना है। बाहर का जो कचरा होता है ना, उसको तो सफाई अभियान में सफाई करना, पर अंदर जो कचरा घुस जाता है ना, कौन साफ करेगा उसको? और वो चीजें आपको परेशान करती रहेगी। जीके प्राची ने इसके अलावा सभी को एक हफ्ते तक संबंध संपर्क में आने वालों की एक क्वालिटी और एक अच्छे कर्म को जीवन में धारण करने की सलाह दी। ब्रह्मा कुमारी लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा AAI कार्गो एंड एलाइट सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्पिरिचुअल वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसमें चर्चा का विषय रहा आध्यात्मिकता अपनाओ भ्रष्टाचार भगाओ, जिसमें तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने कहा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत मन से होती है, इसीलिए हमें मेडिटेशन द्वारा मन को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि योग के अभ्यास से हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हम जो चाहे वह कर सकते हैं। तभी मैं अपने आप को एम्पावर करूंगा और फिर मैं अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है या शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं क्रोध न करूं, फिर भी क्रोध आ जाता है। Why? Because I'm weak here. Okay? तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को एम्पावर कहां करना है? यहां करना है। उसकी विधि क्या है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक सम मेन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मन जो है वो बीज है, तो मन के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, या मेरे लिए, अपने लिए, या परिवार के लिए, या कंपनी के लिए, मुझे वहीं पर ही उस मन के नेगेटिव थॉट को खत्म करना। ये तो दूर की बात है, ये तो भ्रष्टाचार, ये नहीं होना है, वो नहीं, तो बहुत दूर की बात है। चोरी नहीं करनी है, कंपनी के साथ ठीक से रहना है, परिवार के ठीक से रहना है, अपने आप से ठीक रहना, ये तो दूर की बात है। लेकिन सबसे पहली बात है कि मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट आ रहा है, ये करप्शन है। हाथ ना सिर के बारे में समझ लिया, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं समझा। यह शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक सत्ता। इस कार्यशाला में CEO अजय कुमार, CFO सेल्वा कुमार सहित अन्य कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुंबई के डोंबिवली महानगर पालिका में ब्रह्मा कुमारी की ओर से स्ट्रेस फ्री लाइफ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सीनियर राजयोग टीचर बीके दीपा ने महानगर पालिका के सभी HOD को स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स दिए। साथ ही बीके दीपा ने कई वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज भी कराई। इसके अलावा बीके भारती ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का छोटा सा अनुभव कराया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्टेफोर्ड पब्लिक और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम किया गया। इसी तरह धारचूला के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय और गायत्री इंटर कॉलेज में भी इस विषय पर प्रोग्राम किए गए। सभी स्कूलों में वर्कशॉप के दौरान माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने बच्चों को नैतिक शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा व्यक्ति के विकास में उतनी ही आवश्यक है जितनी स्कूली शिक्षा। नैतिक शिक्षा से ही व्यक्तित्व निर्माण होता है, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का हमें आत्मविवेक व आत्मबल देती है। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा चौबेपुर स्थित स्वामी मूर्धानंद ज्ञान विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका से आए 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस अभियान के निदेशक बीके राम प्रकाश ने नैतिक शिक्षाओं के प्रति बच्चों को जागरूक किया। इसके अलावा कानपुर के पंकी स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज में भी बीके राम प्रकाश ने छात्रों को गुडनेस को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी।
इसके अलावा वहीं राजयोग शिक्षिका भी की अनुभूति ने बच्चों को राजयोग का अभ्यास कराया। अब कुछ खबरें एक नजर में। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम की ओर से आबू रोड के अबूरदा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आमथला सीनियर सेकेंडरी में जागरूकता कार्यक्रम। कम्युनिटी रिपोर्टर बीके पवित्र ने बच्चों को दिया स्वयं का वास्तविक परिचय। बच्चों ने गीत, कविता और भाषण के माध्यम से रेडियो प्रोग्राम मेरा गांव मेरा अंचल के लिए की ऑडियो रिकॉर्डिंग। बच्चों के नैतिक और बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्यों ने ब्रह्मा कुमारी की करी सराहना। देवउठनी ग्यारस पर्व को लेकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। गायत्री मंदिर के ट्रस्टी प्रताप सिंह सिसोदिया, पूर्व बैंक मैनेजर अरविंद सक्सेना हुए शामिल। राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने कहा कि परमात्मा शक्तियों द्वारा स्वयं के दैवी गुणों को जगाना ही वास्तव में देवताओं को जगाना है। ऐसे रीवा फोर्ट स्थित बांधव पब्लिक विद्यालय में ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों ने दिया राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण। इसके अलावा व्यसनों के सेवन से स्वयं को सदा दूर रखने की कराई प्रतिज्ञा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में इंटरफेथ ग्लोबल मीट, ब्रह्मा कुमारी की ओर से बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने किया प्रतिनिधित्व। वुमेन एम्पावरमेंट और मेंटल हेल्थ रहा चर्चा का विषय। उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम गुरमीत सिंह से हुई बीके डॉक्टर बिन्नी की मुलाकात। परमात्म निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद स्वामी द्वारा आयोजित रही यह मीट। हरियाणा के मेहम स्थित प्रभु उपहार भवन में स्नेह मिलन। रोहतक से डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव, एसडीएम दरबीत फोगाट समेत शामिल हुए शहर के कई चर्चित लोग। रोहतक के बीके रक्षा और बीके सुमन ने किया सभी अतिथियों का स्वागत। डिप्टी कमिश्नर यादव जी ने सुनाए अपने राजयोग मेडिटेशन के सुंदर अनुभव। 15 वार्डों के पार्षद भी रहे कार्यक्रम में उपस्थित। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना ने सभी का किया धन्यवाद। अमृतसर के नवजोत मॉडर्न स्कूल और राष्ट्रीय बाल शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रम। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के अंतर्गत आयोजित रहा कार्यक्रम। बीके पवन ने क्रोध के कारण शरीर पर पड़ने वाले दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए 15 दिनों तक क्रोध न करने का कराया सभी को संकल्प। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ब्रह्मा कुमारीज मॉरिशस वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय समन्वय कार्यालय यानी एनसीओ की 35वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही पीएम की पत्नी श्रीमती कोबिता जगन्नाथ। वही चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बीके बोर्ड की सिस्टर बीना विदेशी अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मेहमानों को शॉल उड़ाकर और तिलक लगाकर हुई। दौरान मॉरिशस में ब्रह्मा कुमारी के अब तक के सफर को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। सभा में मॉरिशस की डायरेक्टर बीके गीता ने सभी को संबोधित भी किया। बाद में सिस्टर गायत्री ने कमेंट्री कर मेडिटेशन कराया। From the year 1952, branches started spreading in different parts of India. And from the year 1971, we started our international branches. And as we just saw, in 1975, we came to this country of Mauritius.